तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेफिलो लोन ऐप से आप लोग लोन कैसे ले सकते हो। जो कि आज के इस वीडियो में रेफिलो लोन एप्लीकेशन के बारे में फुली हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कैसे आप लोन ले सकते हैं, स्टैंड आपको लोन किस तरह से आपको दिया जाता है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेस्ट लोन एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल है। घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से आप स्टैंड इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। केवल पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास मात्र दो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो गाइस, कैसे आपको अप्लाई करना फुल डिटेल हम बात करेंगे। जैसे कि दूसरे से पैसे की मांगने की जरूरत आ गया है, जैसे कि आपने बहुत जगह से लोन अप्लाई करके थक चुके, परेशान हो गए, तो इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि रेफिलो जो कि लोन एप्लीकेशन है, बहुत ही बेस्ट लोन एप्लीकेशन है। यहाँ से इंस्टेंट आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। घर बैठे मोबाइल फोन की मदद से आपको सारा कुछ प्रोसेस करना होगा, जो भी कुछ प्रोसेस करना होगा, जो कि इजी प्रोसेस, मात्र दो से तीन स्टेप आपको फॉलो करना है और बड़ी आसानी से लोन आपको प्राप्त आपके जो भी बैंक अकाउंट आप टाइप करेंगे उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो गाइस, कैसे क्या करना हम डिटेल में आपके साथ बात करेंगे, तो लास्ट तक आप देखिएगा। सो गाइस, वीडियो करेंगे शुरू, बट उससे पहले प्यार वाला छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर पा रहे होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देंगे ताकि जैसे मैं और न्यू अपडेट लेकर आप तक आसानी से पहुंच सके। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देख रहे हैं जैसे कि स्मॉल बिजनेस लोन रिफिलो लोन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि जो भी आपको लोन अमाउंट यहाँ पर 20 से 25,000 तक आपको लोन अमाउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जो कि इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है कि जो भी यहाँ पर लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ से आप खुद का एक बिजनेस ग्रो कर ले, जिसे आप 10 रुपया या मान लीजिए 2,000, 4,000, 5,000 मंथली इनकम कर सके, ताकि आपको बार बार लोन की आवश्यकता न हो। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य यही है कि आप छोटा मोटा जो कि बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन से लोन लेकर जो कि अपना खुद का रोजगार कर सकते 20,000, 25,000 रुपया लेकर, ठीक है। तो ये इसके लिए इसका नाम बिजनेस जो कि स्मॉल बिजनेस लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य यही है, चूँकि फाइनली इस एप्लीकेशन का डिटेल हम आपको बताते हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे 25,000 तक की लोन अमाउंट आपको दिया जाता है और 14 से 28% इसका इंटरेस्ट आपको लगता है, जो कि RBI से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है और NBFC जो कि यहाँ पर देख सकते हैं RBI रजिस्टर्ड है और NBFC से भी रजिस्टर्ड है एप्लीकेशन। बहुत ही बेस्ट लोन एप्लीकेशन है। 14 से 28% जो कि इंटरेस्ट इसको पे आपको करना होता है, जो कि ईयरली होता, मंथली नहीं होता, एक चीज़ आप लोग जान लीजिए। क्या यहाँ पर मैं आपको क्यों कैसे आपको क्रेडिट लाइन यहाँ पर जैसे देख सकते हैं क्यों आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। जो भी कुछ होगा क्यूक होगा, ऐसा नहीं कि आपको वेटिंग में रखा जाएगा। जो भी आपको, आप मान लीजिए आपका एप्लीकेशन इनकेस रिजेक्ट होता है, उसका भी इन्फॉर्मेशन स्टैंड आपको दे दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम आपको लोन मिलेगा ही। भले आपका सिविल स्कोर खराब है, फिर भी फर्स्ट टाइम आपको लोन यहाँ पर जो कि पूरे 25,000 तक की लोन अमाउंट आपको मिल जाता है। तो कैसे आपको अप्लाई करना, क्या क्या डिटेल आपको फिलफिल करना, हम डिटेल आपको अप्लाई करके बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहेगा। सिंपल से पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से इस एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पर सारा कुछ डिटेल यहाँ पर बताया गया है, जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से रजिस्टर्ड करना है, अपडेट KYC डॉक्यूमेंट और चेक पर्सनल जो कि अपना डिटेल देना और एक्सेप्ट ऑफर वाले पर क्लिक करके लोन को प्रोवाइड करना और इंस्टेंटली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली इस एप्लीकेशन को यहाँ पर जो हमने डाउनलोड कर लिया है, डाउनलोड करने के बाद सिंपल से क्या कर दें, इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। तो जैसे इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप जीमेल की मदद से भी कर सकते हैं या फेसबुक की मदद से, मोबाइल की मदद से या कंटिन्यू फिंगरप्रिंट की मदद से भी आप कर सकते हैं लॉगिन। किसी भी माध्यम से आप करेंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना ही पड़ेगा। तो चलिए फाइनली हम जो कि यहाँ पर मोबाइल नंबर जो कि मांग रहा है, चलिए मोबाइल नंबर की मदद से जो कि मोबाइल फ़ोन की मदद से हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है प्लीज़ इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद कंटिन्यू करेंगे, आपके नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, वहीं पर आपको जो कि ऑफर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डिटेल आपको देना होगा। तो चलिए फाइनली प्रोसेस हम आपको बताते हैं किस तरह से करना, ताकि आपको इमरजेंसी में लोन की रिक्वायरमेंट हो तो बड़ी आसानी से कैसे ले सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि सारा कुछ डिटेल आप टाइप करेंगे, तो जैसे कि जस्ट जैसे कि नंबर के टाइप करेंगे, उसका जस्ट यहाँ पर ऑफर आपको शिफ्ट जो कि यहाँ पर पूरे 25,000 की ऑफर आपको जो कि मिल जाएगा। उसके बाद ऐड बैंक डिटेल यहाँ पर क्लिक करके बैंक डिटेल जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको फाइनली जैसे कि मोबाइल नंबर के टाइप OTP टाइप करके जैसे कि कंटिन्यू वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद फिर से ऑफर वाले आपको मिल जाएगा कितना आपको लोन अप्रूवल होता है, जैसे कि 25,000 अप्रूवल जो कि दिखा रहा है, तो 25,000 आपको लोन या 20,000 हो 25,000 आपको अप्रूवल होकर आएगा, ठीक है। तो गाइस, सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको करना है, उसके बाद फिर से करना ऐड बैंक अकाउंट डिटेल वाले पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे उस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको उसके बाद अपना डिटेल आपको पर्सनली डिटेल यहाँ पर आपको देना होता है, जो कि पैन कार्ड नंबर आपको देना होता है, पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम होगा, पैन कार्ड पर जो भी नाम होगा नाम आपको टाइप करना होता है, मेल और फीमेल आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो कि सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पर्पस ऑफ लोन किस लोन ले रहे हैं तो क्या करेंगे, पर्सनल रीजन हो या एजुकेशन हो या किस तरह का किस
यूज में आप लोन को ले रहे हैं जो आपको डिटेल में देना होगा, जो कि सारा कुछ डिटेल दे देंगे, जो कि पैन कार्ड के नंबर टाइप करेंगे ताकि आपका लोन जो भी अप्रूवल हुआ, जो कि आपका सिविल स्कोर खराब है फिर भी लोन दिया जाता है, लेकिन पैन कार्ड नंबर से ही टाइप करेंगे। जो भी आपका यहाँ पर जो भी आपने नाम टाइप किया है सेम नाम दोनों पर होना चाहिए, जो कि पैन कार्ड नंबर पर वही नाम जो कि होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर टाइप करते हैं, फिर से कंटिन्यू वाले पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कि वहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि केवाईसी डॉक्यूमेंट होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पर बोल रहा है कि जनरेट ये आधार विद डिजी लॉकर की मदद से करेंगे तो इंस्टेंट आपको अप्रूवल मिल जाता है, यानी कि क्रिएट ये आधार वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें आधार कार्ड अपलोड करना होता है, यानी कि जनरेट आधार केवाईसी करेंगे तो इसमें होता है क्या कि आधार कार्ड में आपके मोबाइल नंबर जो कि लिंक रहना चाहिए, जिस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी की मदद से यह प्रोवाइड होता है, जो कि यहाँ पर मैं आपको इंस्टेंट जो कि आपका डिजी लॉकर की मदद से इंस्टेंट आपका केवाईसी हो जाएगा, क्योंकि आपने ओटीपी के नंबर से प्रोवाइड करेंगे तो इंस्टेंट सारा कुछ डिटेल कंपनी के पास चल जाएगा। इनकेस क्रिएट आधार करते हैं तो इसमें होता है क्या कि आप अपलोड करेंगे उसके बाद आपको टाइप भी करना होगा, उसके बाद ऑफलाइन प्रोसेस हो जाता है, इंस्टेंटली आपको जनरेट आधार करना है। इनकेस अगर है तो कोई कर सकते हैं, अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कर सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। इसमें 2 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन इसमें 2 से 5 सेकंड के अंदर काम होगा, इसमें मिनट लगेगा, बस यही इतना ऐसा डिफरेंस है और कुछ नहीं, और दोनों से बड़ी आसानी से आप पा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ, उसके बाद जैसे क्या करेंगे उसके बाद सारा कुछ करने के बाद अपलोड आधार जस्ट नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्या करना है, नीचे में आपको मिल रहा है सारा कुछ, आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ये कर सकते हैं। चलिए हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, जनरेट ये आधार वाले पर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद अपलोड आधार वाले पर हम सिंपली क्लिक करते हैं। जैसे कि सारा कुछ हमने टाइप कर दिया, यहाँ पर आधार कार्ड हमने अपलोड कर दिया, उसका जस्ट आपको बोल रहा है कि अकाउंट नंबर आपको डिटेल देने के लिए, अकाउंट नंबर टाइप करने के लिए, अकाउंट नंबर जो भी आपका बैंक का डिटेल होगा वहाँ पर आप टाइप करेंगे, जो भी आपका बैंक का आईएफएससी कोड होगा टाइप करेंगे, यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पर टाइप करेंगे, सेविंग है, करेंट है, अदर या किस तरह का आपका अकाउंट है जो कि आप अपने हिसाब से टाइप कर लेंगे। मेरा सेविंग है, सेविंग वाले पर क्लिक करके उसके बाद फिर से क्या करना, ऐड बैंक अकाउंट वाले पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे कुछ पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस जैसे देख सकते हैं, मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल यहाँ पर बताया जा रहा है, जो कि यू हैव सक्सेसफुल ट्रांसफर 25,000 रुपये और बैंक अकाउंट, यहाँ पर बैंक अकाउंट जो 25,000 रुपये जो कि बोल रहा है कि ट्रांसफर कर दिया गया। तो गाइज आप लोग भी बड़ी आसानी से रेफिलो लोन ऐप की मदद से आप लोग बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं, जो कि हमने बताया स्टेप बाय स्टेप बारीकी तरह से हमने बताया, सेम प्रोसेस आपको करना है और बड़ी आसानी से लोन अमाउंट आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको जो भी लोन अमाउंट दिया जाता है इससे बड़ी आसानी से छोटे छोटे ईएमआई में इस पैसों को इंस्टेंट आप रीपेमेंट करके बड़ी आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं और घर बैठे आप इंस्टेंट इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो इस एप्लीकेशन से लेकर सारा काम कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डाउट हो फ्री बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम फुली चर्चा करके बताएंगे। दोस्तों गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी दूसरे वीडियो किसी अदर जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरा फास्ट इस वीडियो को पूरे लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं जैसे कि स्मॉल बिजनेस लोन रिफिलो लोन एप्लीकेशन।